बुल्स ट्रेंच किल में पकाई के लिए कच्ची ईंटें बाहरी दीवार और भट्टे की अंदरूनी दीवार के मध्य बनी घाटी में सजाई जाती हैं। इस भट्टे में आग भट्टे का चक्कर लगाती है, जबकि ईंटें अपने स्थान पर ही रहती हैं। भट्टे के मध्य में बनी चिमनी भट्टे का प्रमुख अंग है, क्योंकि इस चिमनी के कारण ही भट्टे में कोयले को जलने और आग को बढ़ने के लिए हवा मिलती है। ये चिमनी भट्टे की घाटी से नालियों द्वारा जुड़ी होती है। चिमनी के दोनों तरफ दो मुख्य नालियां होती हैं, जो कई छोटी नालियों द्वारा भट्टे की घाटी से जुड़ी होती हैं। भट्टे में ईंटें पायों में सजाई जाती हैं। एक चलते हुए बीटी के भट्टे को तीन भागों में बांटा जा सकता है। कूलिंग जोन, जिसमें पकी हुई ईंटों को ठंडा किया जाता है। कंबस्टन एंड फायरिंग जोन, जिसमें कोयले को झोंका और जलाया जाता है तथा ईंटों की पकाई होती है। तीसरा हिस्सा प्री हीटिंग जोन कहलाता है, जिसमें कच्ची ईंटों को गर्म किया जाता है तथा उनकी नमी को सुखाया जाता है। भट्टे के ऊपरी भाग को राविश की एक मोटी परत से ढका जाता है। ये राविश भट्टे को लीक प्रूफ बनाती है तथा भट्टे की ऊपरी सतह से होने वाली ऊर्जा हानि को रोकने का काम करती है। भराई के अंत में लगा तिरपाल भट्टे के प्री हीटिंग जोन में ठंडी हवा के अनावश्यक प्रवेश को रोकता है। भट्टे में कोयले की जुकाई चम्मच द्वारा भट्टे की छत पर बने कोल फीडिंग होल्स से की जाती है। ये कोयला भट्टे में ईंटों की भराई करते वक्त बनाई गई झोंकों या पॉकेटों पर गिरता हुआ भट्टे की तली तक काफी मात्रा में पहुंच जाता है। तली पर पहुंचने वाले कोयले की मात्रा कोयले की झुकाई के ढंग पर निर्भर करती है। अगर बड़े साइज का कोयला झोंका जाता है या ज्यादा मात्रा में एक साथ कोयले की झुकाई होती है, तब तली पर कोयले की एक मोटी तह बन जाती है। भट्टे में ठंडी हवा निकासी वाले क्षेत्र से प्रवेश करती है। ये ठंडी हवा तली के करीब चलती है तथा पकी हुई गर्म ईंटों से गर्मी लेती हुई कंबस्टन जोन में प्रवेश करती है। जैसे जैसे ये हवा गर्म होती है, ये ऊपर की ओर उठती है तथा जब ये भट्टे के सबसे गर्म भाग यानी कोल फायरिंग जोन में पहुंचती है, तब ज्यादातर हवा भट्टे के ऊपरी भाग में चल रही होती है। कंबस्टन जोन से निकलकर ये गर्म हवा प्री हीटिंग जोन में अपनी गर्मी कच्ची ईंटों को देती हुई भट्टे की तली के करीब बने हुए निकासों से नालियों में प्रवेश कर चिमनी के द्वारा बाहर निकलती है। भट्टे में चिमनी एक पंप का काम करती है। ये बाहर से ठंडी हवा को भट्टे में प्रवेश कराती है तथा गर्म हवा का निकास करती है। चिमनी की खिंचान क्षमता चिमनी में गर्म गैसों के तापमान और बाहरी वातावरण के तापमान के अंतर पर निर्भर करती है। सामान्यतः चिमनी में गर्म गैसों का तापमान 80 से 120 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसा हमने पहले देखा कि काफी बड़ी मात्रा में कोयला तली पर जा गिरता है, जबकि इस क्षेत्र में ज्यादातर गर्म हवा भट्टे के ऊपरी भाग में बह रही है। कोयले को जलने के लिए ऑक्सीजन यानी हवा की जरूरत होती है, जो तली पर पड़े कोयले को पूरी तरह नहीं मिल पाती। इस कारण तली पर पड़ा कोयला पूरी तरह से जल नहीं पाता। ठीक तरह से न जलने के कारण ये काली प्रदूषित गैसों को जन्म देता है और काफी बड़ी मात्रा में अधजला कोयला भट्टे की तली में पड़ा रह जाता है। ईंटों में जलाई से संबंधित प्रमुख समस्याओं में पहली समस्या कोयले की अधिक खपत और कोयले की कीमत में बेतहाशा तेजी है। सन 2000 के मुकाबले आज कोयले की कीमत 2-3 गुना बढ़ गई है। दूसरी प्रमुख समस्या ठीक जलाई न होने के कारण ईंटों की क्वालिटी में असमानता, खासतौर से अव्वल दर्जे की ईंटों का प्रतिशत कम होना है। तीसरी प्रमुख समस्या वायु प्रदूषण की है, जो न केवल भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों बल्कि आसपास के बगीचों के पेड़ों और खेतों की फसलों को भी नुकसान पहुंचाता है।